मजा आया। हेलो एवरीवन, तो फ्रेंड अगर आप भी इस तरह के मैजिक डोर वाले वीडियो बनाना चाहते हैं जो कॉमेडी वाला हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन में आना है। उसके बाद आपको प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने वीडियो के साइज के हिसाब से एस्पेक्ट रेशो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने मीडिया का ऑप्शन आएगा, आपको जो भी वीडियो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है इसको लेकर के आना है। वीडियो आ जाने के बाद मैं आपको पहले बता देता हूँ आपको एक्टिंग कैसे कर लेनी है। देख लीजिए आप मैंने कैसे रिकॉर्डिंग किया हुआ है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जो ये खाली वाला पार्ट है उसका कैप्चर ले लेना। ठीक है, ये कैप्चर ले लीजिए, इसके बाद कैप्चर एंड सेव कर दीजिए। ठीक है, इसका कैप्चर गैलरी में सेव हो गया है। अभी आपको और एक एप्लीकेशन में जाना है बैकग्राउंड इरेजर करके, चलिए उसमें मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम लोग इसमें वापस आएंगे। आपको बैकग्राउंड इरेजर करके एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लोडेड फोटो में क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने फोटो सेलेक्ट करके ला दीजिएगा, यहाँ पर डन कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको ये जो डोर है उसका जो दरवाज़ा है उसका उसको इरेज करना है, सिर्फ बीच वाले पार्ट को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ये जो है इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। फिर आप मैनुअली भी कर सकते हैं, साइड में लेफ्ट साइड में मैजिक भी दिया हुआ है, मैजिक भी कर सकते हैं आप, इससे थोड़ा जल्दी और इजीली आपका हो सकता है। चलिए मैं जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। देखिए आपका अगर कुछ गलती हो गया तो आपको ये रिपेयर करके दिख रहा ऑप्शन, उसमें आप क्लिक करके उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और आपको ये वाला इधर पे घुमा देना है, देखिए वापस। ठीक है, और वापस इसको सेट कर दीजिए वापस से। ठीक है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। देखिए आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये डन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपका ये वाला गैलरी में सेव हो जाएगा। फिर हम लोग काइनमास्टर में वापस आते हैं। काइनमास्टर में वापस आने के बाद आपको ये देखना कि आप बाहर कब गए और जब आप अंदर आने वाले रहेंगे। ठीक है, जब आप अंदर आने वाले हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी इसके बाद यहाँ पर आपको लेयर पर जाना है, फिर मीडिया पर जाना है, फिर वहाँ से अभी आपने जो एप्लीकेशन से जो इरेज किया बैकग्राउंड को उसको ले करके आना है। ठीक है, ये वाला कैप्चर आ जाने के बाद आपको क्या करना है, ये सेकेंड वाले ऑप्शन में जाना है, इसको स्प्लिट कर दीजिए पूरा फुल, ओके कर दीजिए। फिर आप अपने वीडियो के हिसाब से इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, देखिए अभी आप एक बार वीडियो देखिए वापस से थोड़ा प्ले करके। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, ठीक है, देखिए ये अंदर आ रहा है। ठीक है, इधर पे आप बाहर निकल गए, आपको ये वाला यहाँ पे ट्रिम पर जाके ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर देना है नीचे वाले लेयर का। ठीक है, अभी देखिए अभी आप जब अंदर आएंगे तो वो वाला भाग नहीं दिखेगा, देखिए आप आराम से अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आपका ये वीडियो पूरा बन के रेडी हो गया है। अब आप चाहे तो ऑडियो में जाके कोई सा भी म्यूजिक इसमें लगा सकते हैं, और आपका पूरा वीडियो बन जाने के बाद आप यहाँ पे सेव वाले बटन पे जाके अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है।